हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11। लिविंग वर्ल्ड मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अलाइव है, मीन जिंदा है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे जिंदा है तो कुछ तो उसका कैरेक्टर होगा ना, कि जो आदमी जिंदा है या जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है क्या क्या कैरेक्टर है। तो आज हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसका पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड का, दैट मीन्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मतलब लाइफ जो है तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये लाइफ है या इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम लोग देखेंगे, नंबर वन है शेप एंड साइज। कोई भी अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म से उसका एक प्रॉपर शेप और साइज रहता है। बिना शेप और साइज का कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं बन सकता है। तो नंबर वन है शेप एंड साइज, ये है लाइफ का एक कैरेक्टर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ है उसका एक शेप एंड साइज रहेगा। सेकेंड नंबर ग्रोथ। हम लोग जैसे जब जन्म लिए थे तो छोटा बच्चा थे, आस्ते आस्ते डेवलप होते 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 आज हम लोग बड़ा हुए, मतलब हम लोग का ग्रोथ हुआ। कोई भी अगर हम लोग एक आम का गाछ भी देखेंगे, प्लांट भी देखेंगे, तो वो भी देखेंगे कि उसका वो डेवलप होते होते आस्ते 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 वो बड़ा हुआ। तो ऐसे ही ग्रोथ एक कैरेक्टर है लाइफ का, लाइफ का एक कैरेक्टर है ग्रोथ। थर्ड नंबर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना। तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है इसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन लाइफ का कैरेक्टर है, लाइफ का कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म देखे अगर वो उसका लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ है तो उसका रिप्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स कि एक से दो बनेगा, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करके बनते रहता है। ये कोई प्लांट हो, कोई ऑर्गेनिजम्स हो, कोई ह्यूमन बींग्स हो या कोई एनिमल्स हो, किसी का भी हो, तो उसका रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है जो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। हम लोग जो खाना खाते हैं या जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये जो टोटल प्रोसेस है जो हम लोग का बॉडी को या हम लोग का जो टोटल सिस्टम्स को, हम लोग का बॉडी का सिस्टम्स को चलाने के लिए काम करता है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो चीज से बना हुआ, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म है कि हम लोग का जो बॉडी का जो वेट होता है वो बढ़ जाना, मतलब थोड़ा सा वो जो टोटल बॉडी का मास है वो उसमें बढ़ोतरी को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म है कि जो बॉडी का मास है उसका मास को मतलब कम हो जाना, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब हम लोग कैसे याद रखेंगे एनाबॉलिज्म? जैसे हम लोग घर में कोई आया तो आना, आना अगर कोई आता है, जैसे किसी को हम बुलाए कि आना, तो वो अगर आएगा तो हम लोग घर में अगर सोचो कि पांच को मेंबर है और अगर एक कोई आया तो कितना हुआ, छह। तो दैट मीन्स इंक्रीज द नंबर। इसमें हम लोग अगर बॉडी, हम लोग अगर ग्लूकोज खाए तो हम लोग खाने के साथ हम लोग बॉडी का जो ग्लूकोज है बढ़ गया। तो ऐसे ही प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसमें प्लांट में अगर प्लांट का वेट है 100 kg, उसमें अगर 1 gram भी बढ़ा, तो 1 gram बढ़ा ना, तो इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म, जिसमें उसका बॉडी का जो मास है वो बढ़ेगा। और कैटाबॉलिज्म किसको कहेंगे? अगर जो बॉडी का मास है वो घटेगा। जैसे हम लोग अगर देखेंगे कि हम लोग एक्सक्रीशन जब करते हैं, यूरिन को रिलीज करते हैं, तो हम लोग बॉडी से यूरिन रिलीज होता है, तो यूरिन जब रिलीज होता है उसके साथ यूरिया भी तो निकलता है ना सर बॉडी के अंदर से। तो ये जो है, या अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में हम लोग जो ग्लूकोज है या ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। तो ग्लूकोज का C6H12O6, इसका जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड होकर निकल जाता है, तो ये आस्ते आस्ते घटते रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये भी है आपका कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आया सेलुलर स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सेल से बना है। बिना सेल का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को भी देखेंगे तो वो भी देखेंगे कि वो सेल से बना है। अगर हम लोग कोई पेड़ पौधा को भी देखते हैं तो वो भी सेल से बना है। मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मेड फ्रॉम द मेड अप ऑफ सेल। तो बिना सेल का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन,
डेफिनेट लाइफ साइकिल्स हम लोग अगर देखें, हम पहले जैसे बोले कि ग्रोथ, तो ऐसे डेफिनेट लाइफ साइकिल्स होता है, मतलब हम लोग अगर देखेंगे कि जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आस्ते आस्ते बढ़ते रहेगा, लास्ट में वो बुढ़ापा में आएगा, फिर वो डेथ हो जाएगा उसका। तो ऐसे करते करते कंटिन्यू एक वो साइकिल का जैसा चलता है, ऐसा अगर हम लोग कोई पेड़ को देखेंगे तो पेड़ का भी सेम प्रोसेस है। तो ये जब प्रोसेस चलते रहता है तो ये इसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल्स, डेफिनेट लाइफ साइकिल्स रहेगा, ये भी लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट मूवमेंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरा जगह में मूव कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि हायर प्लांट्स है तो एक जगह से नहीं मूव कर सकते, उसका बॉडी का पार्ट जो है वो सिर्फ मूव करेगा, लेकिन वो उसका पूरा बॉडी मूव नहीं करेगा। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे कि लोअर एनिमल्स, तो लोअर एनिमल्स भी मूव नहीं कर सकता है। तो एनिमल्स का एक कैरेक्टर होता है मूवमेंट, तो ये हम लोग देखते हैं किसका लाइफ का एक कैरेक्टर। देन प्रोटोप्लाज्म, अगर हम लोग सेल है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी क्लास में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं कि जो सेल है, सेल का अंदर में रहता है प्रोटोप्लाज्म। जैसे अंडा है तो अंडा को अगर फोड़ेंगे तो अंदर वाला जो टोटल पोर्शन है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोग अभी बॉडी जो है, ये बॉडी मींस बिलियंस ट्रिलियंस सेल से बना है, तो अगर ये उससे भी ज्यादा अगर सेल से बना है तो ये सेल जो है, तो अगर सेल है तो सेल का अंदर में प्रोटोप्लाज्म भी है, तो ये प्रोटोप्लाज्म रहेगा, ये भी एक कैरेक्टर है लाइफ का। नेक्स्ट सेल्फ रेगुलेशन, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने आप को रेगुलेट करते हैं, मतलब कोई भी चीज के साथ हम लोग अपने आपको रेगुलेट कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, ये भी लाइफ का एक कैरेक्टर है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट भी हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग का बॉडी में कोई भी पार्ट्स है ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कोई भी ऑर्गन्स है तो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो ये भी क्या है लाइफ का एक कैरेक्टर है। वेरिएशन, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग जो लाइफ में वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है ये इसका रीजन है कि हम लोग का जो क्रोमोसोम्स है तो ये क्रोमोसोम्स के कारण होता है, सब तो एक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग दो गो ऑर्गेनिज्म को देखें तो दो गो ऑर्गेनिज्म क्या सेम है, नहीं है ना, तो ये वेरिएशन, तो ये वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं, ये लाइफ का एक कैरेक्टर है, ये क्रोमोसोम के कारण होता है। हीलिंग, कोई जैसे हम लोग कोई चोट लग जाता है या कुछ हो जाता है तो वो आस्ते आस्ते हील, मतलब जो अगर कोई कट गया, तो मेरा अगर सोई हाथ कट गया तो ये क्या एक साथ बाद भी वो हाथ कटा हुआ रहेगा ना, वो जगह फिलअप हो जाएगा, क्यों फिलअप होगा, तो ये भी एक कैरेक्टर है। तो ये जो लाइफ का कैरेक्टर है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ये एक लाइफ का कैरेक्टर है। क्या होता है इसमें, हम लोग शरीर में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के कारण हम लोग बॉडी में प्रोटीन बनता है। ये हम लोग जो डीएनए है, हम लोग पहले भी जानते थे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब जो जगह में मेरा कट गया है वो जगह में वो प्रोटीन बनेगा तो वो उसको हील को रिपेयर करेगा, तो ये हीलिंग होता है, ये लाइफ का एक कैरेक्टर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे तो ये इसका हीलिंग हम लोग देख सकेंगे। जेनेटिक मटेरियल, हर ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो मम्मी पापा है तो मम्मी पापा का कैरेक्टर हम लोग में आता है, तो ये क्यों आता है, क्योंकि मम्मी पापा का जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम हम लोग में आता है, तो ये अगर क्रोमोसोम्स नहीं आएगा तो हम लोग जो हम लोग मम्मी पापा का कैरेक्टर है या हम लोग का जो दादा दादी का कैरेक्टर ये आएगा नहीं आएगा ना, तो ये इसका कारण है जेनेटिक मटेरियल। ये है डीएनए, डीएनए कैरी करता है, जैसे मम्मी और पापा का जो गैमेट है वो गैमेट फ्यूज हुआ वो उसके बाद जायगोट बना, जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बना, तो मतलब मम्मी का भी कैरेक्टर रहेगा पापा का भी कैरेक्टर रहेगा। अब मम्मी का अगर हम लोग पापा का देखते हैं तो पापा का दादा और दादी का है, ऐसे मम्मी का नाना और नानी का है, तो उन लोग का भी जो क्रोमोसोम्स है वो आते रहेगा, तो इसलिए हम लोग में ये क्रोमोसोम जो है मतलब जेनेटिक मटेरियल आते रहता है, ये डीएनए है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो अपना पापा का जैसे हुआ है या दादा का जैसे हुआ है या चाचा का जैसे हुआ है या मामा का जैसे, तो इसका कैरेक्टर ये जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है। देन एडेप्टेशन, जैसे अगर गर्मी का दिन हो तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी का दिन में फैन चला लिए
या अगर ठंडा का दिन हो तो स्वेटर पहन लिए, मतलब हम ऐसे क्या होता है, हम लोग बॉडी भी अपने आप को एडप्ट करता है। तो ये जो कारण से हम लोग एडप्ट करते हैं, जो मतलब वो लाइफ का, ये भी एक लाइफ का कैरेक्टर है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज में हम लोग अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं। मतलब जैसा वो मतलब बेसिस में, जैसा एरिया होगा वो बेसिस में, जैसा एनवायरमेंट होगा उतना वो बेसिस में हम लोग अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं। तो ये भी लाइफ का एक कैरेक्टर है। उसके बाद है डेथ। कोई भी जैसे हम लोग ग्रोथ देखे, लाइफ साइकिल देखे, तो ऐसे ही डेथ एकदम माने होना ही है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर वो जन्म लिया तो एक दिन ना एक दिन वो मरेगा ही, ये एकदम निश्चित है। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेने के बाद वो कुछ दिन बाद, एक साल हो, दो साल हो, दस साल हो, बीस साल हो, उसका जब लाइफ साइकिल्स का जब एंड आएगा तो वो उसका मृत्यु निश्चित है। तो ये डेथ एक कैरेक्टर है। तो अगर हम लोग फिर से अगर हम लोग बोले तो क्या क्या कैरेक्टर है, बोले शेप एंड साइज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आता है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, डेफिनेट लाइफ साइकिल्स, मूवमेंट्स, प्रोटोप्लाज्म, सेल्स रेगुलेशन, कोऑर्डिनेट, वेरिएशन, हीलिंग, जेनेटिक मेटेरियल्स, एडेप्टेशन और डेथ। ये सब हम लोग देखते हैं, ये लाइफ का कैरेक्टर है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कस करें। थैंक यू। For more videos, like, share and subscribe my channel.